नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी भर्ती में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। क्या ये फैसला है? एक कैंडिडेट ने याचिका दायर की गई थी, उस याचिका के ऊपर बड़ी खबर आई है साथियों, उसके बारे में इस वीडियो में आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का एक एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी स्टीक और कम समय में साथियों आप तक पहुँचाई जाती हैं। चलिए अब देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। ये देख सकते हैं साथियों, परिवार ने किया बेदखल या हो अलग परिवार पहचान पत्र, नहीं मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक। आपको बता दें कि साथियों, काफ़ी बार ऐसे कमेंट आते हैं हमारे पास भी कि सर मेरी फैमिली आईडी भी अलग है, परिवार ने मुझे बेदखल कर दिया है, तो क्या मुझे 5 नंबर दिए जाएंगे बिना नौकरी के? जी हाँ साथियों, ये सारा जो फंडा है ये है नो जॉब के जो 5 नंबर हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उनका। तो हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और क्या कहा है वो देख लीजिए। एक पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि अगर किसी को उसके माता पिता ने बेदखल कर दिया है तो भी वह सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत 5 अतिरिक्त अंकों का दावा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए एक उम्मीदवार ने प्रदेश की नीति के तहत सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत 5 अतिरिक्त अंकों का दावा इस आधार पर किया था कि उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है, उसके माता पिता ने उसे कानूनी तौर पर संपत्ति व सभी तरह से बेदखल किया हुआ है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वह याचिका इस दलील से असहमत है, माता पिता द्वारा उसे बेदखल करने के चलते अब उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। यानी कि साथियों, माता पिता ने बेदखल कर दिया है, उनके पिता जॉब में थे जिस कारण सरकार ने माना कि उनके परिवार में जॉब है, लेकिन कैंडिडेट कहता है कि मुझे जब परिवार ने बेदखल कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे घर में कोई जॉब नहीं है। यानी कि उनके जो पिताजी हैं वो रेलवे से रिटायर्ड हैं और अप्रैल 2014 में कानूनी तौर पर सभी प्रकार की पारिवारिक संपत्तियों से उन्हें वंचित कर दिया था। उसके बाद याचिकाकर्ता परिवार से अलग रहने लगा था, यहाँ तक कि याचिकाकर्ता की अपनी अलग फैमिली आईडी भी है। तो साथियों, फैमिली आईडी भी अलग हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन सरकार ये नंबर हैं वो नहीं देना चाहेगी या नहीं देगी। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत 5 जो अतिरिक्त अंक देने का नियम उन जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए बनाया है जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और न कभी रहा हो, तो ये आदेश उन्हीं के ऊपर लागू होगा। तो साथियों, ये कलर्क भर्ती में कैंडिडेट ने आवेदन किया था और इस भर्ती में उसके 63 नंबर उन्होंने रिटर्न एग्जाम में लिए हैं, तो अगर उसके 5 नंबर मिलते हैं तो उसका चयन हो सकता था, इसलिए उस कैंडिडेट ने ये याचिका हाई कोर्ट में लगाई है और याचिका के ऊपर फैसला सुना दिया है हाई कोर्ट ने। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे डाउट में रहता है वो अपना डाउट क्लियर कर ले, चाहे अगर उसके घर परिवार में जॉब है तो वो कैंडिडेट किसी भी हालत में 5 नंबर नहीं ले सकता, चाहे उसके परिवार ने बेदखल किया हो, चाहे उसकी फैमिली आईडी अलग हो। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड अगर आपको महत्वपूर्ण अपडेट चाहिए तो आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।